नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम हरप्रीत। आज के वीडियो में हम परफ्यूम के मैसुरेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इस स्टेप का आपको कब फॉलो करना चाहिए, इससे किसी परफ्यूम पे क्या बदलाव आता है और मैं कैसे अपने परफ्यूम्स को मैसुरेट करता हूँ, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो ये प्रोसेस होता क्या है, देखिए किसी भी परफ्यूम के कॉम्पोजिशन को बनाने के बाद, उसको बॉटल करने के बाद, उसके एजिंग के स्टेप को मैसुरेशन बोलते हैं। जिस तरीके से वाइन्स को बैरल्स में एज किया जाता है और वक्त के साथ उनकी एक पिक्यूलियर खुशबू और जो टेस्ट जनरेट होती है, उसी तरीके से अगर परफ्यूम जब बॉटल होते हैं उसके बाद उसको रखा जाता है। वैसे हर कंपनी बेचने से पहले मैसुरेट करती हैं परफ्यूम्स को, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी परफ्यूम को और थोड़े वक्त की ज़रूरत हो सही से मैसुरेट होने के लिए। इसमें ऑक्सीडेशन भी इन्वॉल्व होता है। मेरा कहने का मतलब है परफ्यूम का जो लिक्विड है उसमें हवा जाए तो थोड़ा ऑक्सीडाइज हो, वो फ्यूज हो हवा के साथ। अब बात करें कि आप किस परिस्थिति में इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने कोई नया परफ्यूम खरीदा है और पहली बार इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत हल्की परफॉर्मेंस मिली है, 4-5 स्प्रे आपने किया है और आपको ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन लोग कहते हैं कि परफ्यूम की जो अमूमन परफॉर्मेंस है वो अच्छी है लेकिन आपको नहीं मिल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी में बनने के बाद उसको अच्छे से एज नहीं किया गया है, तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए ये हिट एंड मिस है। मैंने बहुत से परफ्यूम्स के साथ मैसुरेशन प्रोसेस फॉलो किया है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाए। अब जैसे मैंने जब पहली बार ये मोब्लॉ का एक्सप्लोरर खरीदा था तो जब पहली बार इस्तेमाल किया, लगभग 2019 में मैंने इसको लिया था, मुझे काफ़ी हल्की परफॉर्मेंस मिली थी। मैं आपसे कहूँ 3-4 घंटे मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी महसूस हुई और कपड़े पे लगभग 6-7 घंटे रहता था और शुरुआत के लगभग 1-1.5 घंटे ये प्रोजेक्ट करता था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हल्की है। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन चेक किया तो लोगों ने कहा कि नहीं, परफॉर्मेंस तो सही है, तो मुझे लगा शायद मेरे बॉटल के साथ, मेरे बैच के साथ कुछ कमी होगी। तो मैंने इस परफ्यूम के साथ इस स्टेप को फॉलो किया था और मुझे बदलाव महसूस हुए। वैसे हाल में मैंने ये अफनान का जो ये 9 AM डाइव आता है, मैंने इसे खरीदा था, इससे भी मुझे काफ़ी हल्की परफॉर्मेंस मिली और मैंने जब इसका रिव्यू बनाया था तो मैंने बोला था कि इस स्टेप को मैं इसके साथ भी फॉलो करूंगा आगे चल करके, अगर इसमें इसका परफॉर्मेंस इन्हेंस होता है, कुछ बदलाव मुझे महसूस होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं या फिर किसी भी परफ्यूम को एज करने की बात करें, तो अगर आपने नए परफ्यूम के 1-2 स्प्रे किए हैं, मैं कहूंगा 2-3 स्प्रे आप और कर लें, क्योंकि बॉटल के अंदर हवा जाना भी ज़रूरी है, उसी से वो ऑक्सीडाइज होगा, जो उसका लिक्विड है परफ्यूम का वो फ्यूज होगा हवा के साथ। मैं अमूमन क्या करता हूँ अपने परफ्यूम्स के साथ, मैं बॉटल की कैप को निकाल देता हूँ और अपने परफ्यूम के शेल्फ के निचले पीछे हिस्से में जहाँ रोशनी थोड़ी कम आती है वहाँ पे बिना कैप के बॉटल को रख देता हूँ। अगर आप चाहें तो किसी कैबिनेट या अलमीरा में भी परफ्यूम के बॉटल को रख सकते हैं, ज़रूरी ये है कि रोशनी कम आए या अंधेरे में आप कहीं उसको रखें। अब मेरे इस कमरे में यूजुअली मैं लाइट कम ही जलाता हूँ, सिर्फ जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तभी जलाता हूँ, दिन में खिड़की से काम चल जाता है, लेकिन अगर मैं किसी परफ्यूम को मैसुरेट कर रहा हूँ तो मैं श्योर करता हूँ कि कोई भी लाइट अगर जली है तो मैं उसको बंद कर देता हूँ और विंडो की ब्लाइंड्स को भी बंद कर देता हूँ, कर्टन्स ड्रॉ कर देता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि कमरे में ज़्यादातर अंधेरा ही रहे। मैं लगभग 1 महीने तक बिना छेड़े बिना कैप के परफ्यूम को वहीं पे रहने देता हूँ और उसके बाद समय पूरा होने के बाद मैं उसको स्प्रे करके देखता हूँ स्किन पे, अगर मुझे थोड़ी और बेहतर परफॉर्मेंस मिली तो मैं उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन अगर अभी भी परफॉर्मेंस मुझे बुरी ही मिल रही है तो लगभग 15 दिन मैं उसको और मैसुरेट करता हूँ, उसके बाद फिर से स्प्रे करके देखता हूँ, अगर परफॉर्मेंस इन्हेंस हुई तब तो सही है, अगर नहीं हुई तब मुझे पता चल जाता है कि मैसुरेशन प्रोसेस का उस परफ्यूम पर कुछ असर नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं कहूँगा कि कुछ परफ्यूम्स पे ये काम करता है और कुछ पे नहीं करता है। और अगर मैं अपने मोब्लॉ एक्सप्लोरर की बात करूं तो मैसुरेशन के बाद लगभग 5-6 घंटे मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी महसूस होती है, कपड़े पे लगभग 10-15 घंटे तक ये टिकता है और शुरुआत के लगभग 1.5-2 घंटे ये प्रोजेक्ट करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 1-2 घंटे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पुश हो गई है। वैसे आप और भी जो टिप्स होते हैं आप उनको भी फॉलो करके देख सकते हैं, जैसे कि अपने स्किन को मॉइस्चराइज करके उस पर स्प्रे करें, रब ना करें स्प्रे करने के बाद, उससे मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं और
आप अपने परफ्यूम्स को सही से स्टोर करें। उससे भी ऐसा होता है कि वक्त के साथ परफ्यूम का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा इन्हेंस हो सकता है। तो अगर आपने मैसुरेशन के प्रोसेस को फॉलो किया है तो मुझे बताएं कमेंट में किस परफ्यूम के साथ आपके साथ काम किया है। आगे चल करके अगर करेंगे, अगर कुछ होता है तो मुझे बताइएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है किसी आपके दोस्त के पास कोई परफ्यूम है सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं इस स्टेप के बारे में। चलिए आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।